गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। ये बहुत सारे फल मैंने धोने के लिए निकाले हैं, अच्छे से इनको धुल के रख लूँगी। सबसे पहले ये लाल वाले अंगूर हैं, एप्पल हैं, ये जो हैं इनका नाम मुझे नहीं पता पर ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। ये विदेशी पियर है, उसके बाजू में देशी पियर है, दो तरह के पियर हैं, और आलू बुखारा हैं। ये हमारे 3 से 4 दिन का हो जाता है क्योंकि डेली सुबह हम लोग मैक्सिमम फल ही खाना प्रेफर करते हैं, खाते भी हैं। तो ये हमारा 3 से 4 दिन का हो गया। इसके बाद मैं सारी चीज़ों को, फलों को अच्छे से धो लूँगी। यहाँ पे मैं एक डिप बना रही हूँ। मुझे एप्पल ना पीनट बटर के साथ खाना बहुत पसंद आता है। ये पीनट बटर सिंपल पीनट बटर है, इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं है। तो मैं इसमें थोड़ा सा गुड़ का पाउडर डालती हूँ, से ना पीनट बटर काफ़ी टेस्टी हो जाता है। इसमें मैं थोड़े सीड्स भी मिला लेती हूँ। ये जो पम्पकिन सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं, तो इनको मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इनको रोस्ट करके ही खाना चाहिए, इनका डाइजेशन अच्छा हो जाता है और काफ़ी हेल्दी भी हैं सीड्स हमारे हेल्थ के लिए। तो मैंने इनके साथ एक एप्पल लिया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं एक और एप्पल ले लूँगी या फिर कोई भी फल ले लेती हूँ। हो जाता है हमारा ब्रेकफास्ट। इसके बाद मैं अपने आई टेस्ट के लिए गई थी और मैंने अपना नया फ्रेम भी बनवाया है चश्मों का, क्योंकि बीच में मुझे और मेरे पूरे फैमिली को ऐसे रेड आई हो गई थी, जो आई फ्लू फैला हुआ है ना, तो मुझे उसके बाद आंखों में दिक्कत आ रही थी। तो मैंने आई टेस्ट करवाया, उसके बाद मैं गई नर्सरी में। वहाँ से मैंने ये लेमन ग्रास का पौधा लिया है। लेमन ग्रास हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। मेरे पास था पर गर्मी के मौसम में सूख गया था वो पौधा, तो मैंने नया ले लिया। और ये नर्सरी काफ़ी बड़ी है, बहुत ही प्रकार के यहाँ पे पौधे हैं, पेड़ तो नहीं है, पौधे ही हैं, और बहुत ही लंबी सी नर्सरी है, बहुत सुंदर दिख रही थी। एक हमने इंडोर प्लांट भी लिया है। फिर घर आके मैंने बनाया हमारा लंच। लंच में आज मैं सैंडविच बना रही हूँ और पनीर सैंडविच बना रही हूँ। तो ये पनीर का जो स्टफिंग है वो रेडी कर रही हूँ, बेसिकली भुजिया है पनीर का। मैंने नारियल तेल डाला थोड़ा सा, उसमें जीरा डाला और थोड़ा सा मोटा मोटा कटा प्याज डाल लिया। यहाँ पे मैं थोड़ी सी सब्जियों को चॉप कर ले रही हूँ। पहले मैंने एक गाजर लेके चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया, उसके बाद उसमें 2 मिर्ची, इसमें मैंने 3 शिमला मिर्च और 1 टमाटर डाल लिया है, इनको भी चॉप कर लूँगी। गाजर मैंने पहले इसलिए चॉप किया था क्योंकि थोड़ा हार्ड होता है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए पहले गाजर चॉप किया, उसके बाद बाकी सारी सब्जियाँ डाल ली है। बढ़िया से चॉप करेंगे, काटने में काफ़ी समय जाता है ऐसे बारीक बारीक, इसलिए चॉपर से काम ईजी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सब्जियों को पकाना नहीं है। ये मैं मूंगफली दिखा रही हूँ, ये मैं फ्राई करके रख लेती हूँ ताकि सुबह बच्चों को टिफिन में देना पड़ता है, चटनी वगैरह में डालने के लिए या फिर साबुदाना पोहा में डालने के लिए, किसी भी तरीके से फ्राई करके रख लो ना, काम बहुत इजी हो जाता है। इस तरह मैं सूजी भी फ्राई करके रखती हूँ, सेवई वगैरह और भी कुछ तैयारियाँ करके रखती हूँ ताकि सुबह का जो समय है ना वो थोड़ा सा सेव हो जाए। ये मैंने घर में पनीर बनाया था तो अभी मैं उसी को खोल रही हूँ, कल बनाया था। ये थोड़ा सा हार्ड जैसा हो गया, जब भी पनीर बनाए उसको पानी में डाल के रख लेना चाहिए। मैंने ऐसे ही ओपन रख दिया था तो थोड़ा सा हार्ड हो गया, तो मैंने इसमें नमक डाला। सब्जियों में थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं, सब्जियों में बहुत ज़्यादा नहीं पका रही हूँ, ना ही बहुत सारे मसाले डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे मसाले डालने से और सब्जियाँ बहुत ओवर कुक हो जाती है ना, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है सब्जियों का। मुझे शिमला मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है, मुझे गाजर का टेस्ट अच्छा लगता है, तो मैं इसमें सिर्फ ऑरेगानो डाली हूँ, ब्लैक पेपर, हल्दी और नमक, इतनी चीज़ें डाली हूँ। आई थिंक इतनी ही है, धनिया पाउडर डाल सकते हैं बस। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, इससे क्या है सॉफ्ट हो जाता है पूरा पनीर का भुर्जी। तो हमारा पनीर भुर्जी बनके रेडी हो गया है। इसको मैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। और मैं बैठने गई थी तो मैंने देखा यहाँ हमारे साहब क्या कर रहे हैं, मुझे लगा ये खड़े होके क्या कर रहे थे, फिर मैंने देखा यहाँ जो ये स्क्रीन है ना प्रोजेक्टर का, उसको सेट कर रहे हैं। इसको हर 2-3 दिन में सेट करते, पता नहीं क्यों मुझे तो ये सेट ही दिखता है, अच्छा ही दिखता है, पर उसके अंदर भी इनको कुछ कमी नज़र आती है और इसको सेट करते रहते हैं। अपना अपना नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। और यहाँ पे मैं राज क्या कर रहा है वो भी दिखाती हूँ। राज यहाँ पे एम्पलीफायर बना रहा है। राज को इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो हम लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं, जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो बच्चों को वही करना चाहिए। इसमें ना गाने बजते हैं, ये काफ़ी दिनों से बना रहा है, इसके लिए सामान भी लेते रहता है, बनाते रहता है। तो मेरा यहाँ जो पनीर का भुर्जी है ठंडा हो गया है। मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए, एक पे पनीर की भुर्जी लगा रही हूँ। ब्राउन ब्रेड है लेकिन होता तो मैदा ही है, बस अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि हम ब्राउन ब्रेड खा रहे, वाइट ब्रेड नहीं, लेकिन मैदा इसमें भी अच्छी मात्रा में होता है। ऊपर से मैंने ये थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाला है, चीज़ स्लाइस रहता है बहुत अच्छा रहता है, मेरे पास अभी मोज़रेला चीज़ था, मैंने वो डाल लिया, सॉस डाल लिया इसके ऊपर, और भी जो चाहे वो हम लगा सकते हैं, मेयोनीज हो गया, पिज़्ज़ा सॉस हो गया। मैंने सिंपल सा बनाया है, घी लगाया तवे के ऊपर,
और हमारे सैंडविच को दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे क्रिस्पी क्रिस्पी। अभी राज खाने वाला है पनीर सैंडविच। पर आई थी मैं वैसे इस तरह से पहली बार बनाई हूँ, है ना? कैसा लगा? अच्छा नहीं है? अच्छा लगा? पनीर वो जो अंदर में चीज है मेल्ट हुआ कि नहीं, छुपी गया है चीज? कोई बात नहीं। चीज फुल होगा और वहां पे मूवी लग रही है। चलो जल्दी बना के मूवी एंजॉय करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम के 4 बज रहे हैं और मैं रेडी हुई हूँ। आज अक्षया का बर्थडे है, बर्थडे में हम जा रहे हैं। मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी चले, थोड़ा चेहरा तो धो लेता। और हमने ना ये वाला प्लांट लिया है, इंडोर प्लांट है, थोड़ा हैवी है। ये इंडोर प्लांट है तो दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, देखते हैं। इसको भी मैं यहाँ रखती हूँ। पुलाव जैसे सुंदर दिख रहा था ना, वैसे टेस्टी भी बहुत था और गरम भी था। और मुझे गरम गरम पुलाव बहुत पसंद आता है तो मैंने अपना प्लेट लगा लिया। गरम गरम पुलाव था, पनीर की सब्जी थी, छोले थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। सारा कुछ ही दिखने में सुंदर लग रहा है ना, खाना बहुत टेस्टी था। मेरी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और तेरा प्लेट दिखाओ, आ जाओ। हैप्पी बर्थडे अक्की। ये कौन है चट्टी दिखा रहा है? ओह माय गॉड। तो क्या जला ले जाओ? अरे ये मैजिक कैंडल है, जलाना। अरे हिला दे रही केक मुझे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डियर अक्षया। तेरा बर्थडे थोड़ा, तू क्यों कर ले? बाजू खड़े उसको नहीं खिलाती, कहाँ का
खाने के लिए बैठे थे तेरे बाजू में, काट लिया तो इसको नहीं खिला, ये इतना दूर चली गई है, खुद ही खा लेते हैं, खिला नहीं रहे बेचारी को, खिला नहीं रहे, खुद ही खा लेते हैं। यहाँ दोनों बहनें खेल रही हैं, केक का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर कैंडल जला के समोसा खाते खाते हमने भी सब कुछ खा लिया। अब हमारे जाने का वक्त हो गया है और आज अक्षय का बर्थडे बहुत अच्छा लगा। और ये जो प्लेट देख रहे हैं ना, इसमें बचपन की बहुत सारी यादें हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे प्लेट देख कर, खाने में भी अच्छा लगता है। बाय आकी। बाय श्रद्धा। अरे वाह कितना प्यार है। चलो बाय हक्की। बाय। तो हम चले अपने घर के लिए, सबको बाय बाय करते हुए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।